Yes. No, I've been before, about 10 years ago in Vegas. So they were spectacular. So I'm very excited that they're here in India. And I think it's going to be a lot of fun. Yeah. Well, I think bachpan ki memory hoga ki mera naam Joker jo hum dekhte the. So I think circus and you know our family had a big connect. And then you know growing up hum bhi jaate the Apollo circus mein. So main kafi baar ja chuki hu. So ye bahut hi alag type ka circus hai. So looking forward to it tonight. Yes, yes. Just I would like to wish the wonderful couple a very, very happy married life. God bless them. Thank you. Hi, hi. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस की वजह से जानकारी नहीं है लेकिन जितना मैंने सुना है जितना लोगों ने देखा है काफ़ी इन्जॉय किया है और अपनी टीम से इंटरनली जितना मैंने पता चला है एवरीवन्स प्रीटी हैप्पी विथ इट सो या रिस्पांस अब तक तो अच्छा है आगे और पता चलेगा वेब वेब की दुनिया के लिए मैं नया हूँ मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है धीरे धीरे पता चल रहा है हाँ नहीं बचपन में भाई वही बम्बई में होने वाले और रैम्बो सर्कस और ये वाले सर्कस ही देखे हैं मैंने ये वाला सर्कस मैंने पहले कभी देखा नहीं तो इसलिए बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि छोटे में जितने सर्कस देखे उन्हें तो बड़ा इन्जॉय किया है अब ये ज़रा उन सर्कसों से बहुत बड़ा है ऐसा मैंने सुना है और वीडियोज़ देखे हैं तो हाँ एक्साइटेड तो हूँ थैंक यू भाई थैंक यू हाय वेलकम टू इंडियन आइडल लेडीज एंड जेंटलमैन Hello, welcome to Indian Idol. हाँ यार बिल्कुल आज फैमिली का डे मैंने मनाया तो चिल्ड्रंस डे है तो आज बच्चों के साथ नहीं बताया तो क्या किया यू नो सो आई एम वेरी हैप्पी और पहली बार सर्कस हो रहा है काफ़ी एक्साइटेड हूँ बचपन में सर्कस देखे हैं मैंने हमारे मालवीय नगर में दिल्ली में होते थे वहाँ पे छोटे छोटे सर्कस होते थे हम तो वही इन्जॉय करते थे बट इतने बड़े स्केल पे हो रहा है सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट नो आई हैवंट यार आई हैव हर्ड अ लॉट एंड दिस द फर्स्ट टाइम आई विल बी सीइंग इट सो वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड यार हाँ वो होते थे वो टाइट टाइट पैंट पहन के हमारे कुछ आस पड़ोसी होते थे जो कुछ ऊपर से उठपटांग छलांगे लगाते थे लेकिन अब तो ये जो है पूरे ट्रेंड है वो जो सर्कस होती थी उसमें ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं होते थे सो नाउ अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हंगामा होने वाला है अंदर हाँ यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोग शादी कर लेते हैं मैंने तो काफ़ी टाइम पहले ही कर ली थी सो वेरी हैप्पी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू शादी हो सेटल हो और साथ में काम करते रहो नथिंग नथिंग बेटर देन दैट Hello. मेरे ख्याल से बचपन में मैंने कभी ना कभी सर्कस देखा होगा एक आध बार लेकिन इतनी कोई स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं है मेरी जो सर्कस से जुड़ी हुई है लेकिन इस इवेंट के बारे में मैंने बहुत सुना है दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं ये और पहली बार हिंदुस्तान आए हैं तो इट्स माय प्लेजर टू बी हियर टू वॉच इट और मैं खुद एक डांसर हूँ तो उस नज़रिए से देखने में बहुत मज़ा आएगा बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही हुनहार कलाकार हैं ये तो मेरे ख्याल से कैसे हैं आप आदाब इसे सर्कस कहना भी शायद कम होगा ये एक बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा है इसमें डांस एक्ट्स हैं ख़तरनाक तरह के स्टंट्स भी होते हैं तो सब चीज़ों की मिलावट है तो बहुत एक्साइटमेंट है देखने के लिए और मैं अपनी माँ को आज साथ लेके आया हूँ तो उनके साथ देखने में और भी मज़ा आएगा
थैंक यू, इंशाल्लाह जल्द आपको पता चल जाएगा। वेडिंग्स का भी सीजन होता है। जी हाँ बिल्कुल, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं बहुत खुश हूँ कि दो ऐसे लोग साथ में आए हैं जो जिन्होंने इतना प्यारा काम किया है साथ में। तो एज एन ऑडियंस, एज अ फैन भी, इट्स समथिंग दैट्स वेरी एक्साइटिंग, एंड आई विश देम द ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो गुरु, बचपन में तो बहुत ज़्यादा हम लोग लुक फॉरवर्ड करते थे क्योंकि बहुत ग्रैंड चीज़ होती थी सर्कस, और इसके ऊपर जो फिल्म भी बनी है जो राज कपूर जी, और बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है लोगों का, और ख़ासकर जो पहले सर्कस होता था, लेकिन ये तो एक्रोबैट इंटरनेशनल लेवल पे हैं और ये लोग कुछ सारे ही जितने सर्कस या एक्रोबैट्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, बहुत डेडिकेशन होती है, पूरी लाइफ के लिए ये लोग डेडिकेटेड होते हैं अपने आर्ट को लेके, बहुत खतरनाक होता है, बट दे आर ऑल सो पैशनेट कि उन लोगों को वो सब नहीं दिखता है, और वो दे आर ओनली फॉर द आर्ट ऑफ इट। सो आई रियली एडमायर पीपल हु आर इन इट एंड You come and get inspired by them. I'm coming. One second. हाँ, मेरे लिए personally इससे बढ़िया couple इंडिया में कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का blessings इनके साथ हैं, and they are so lovable and together they are all the more lovable. So mujhe lagta hai genuinely dil se isse zyada wishes kisi ke liye maine shayad nahi kari hogi. So all the best to Deepika and Anil. See you, thank you.